नमस्कार, मी आशिष पवार. नमस्कार महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील 7 ठळक वैशिष्ट्ये. शेतकरी आणि रोजगारावर दिला भर. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा मंगळवारी घोषित केला. या जाहीरनाम्याची सुरुवातच त्यांनी आम्ही खोटे आश्वासने देत नाहीत अशा शब्दात केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर निशाणा साधताना विविध मुद्दे आपले जाहीरनामा किती खरा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील मीडियाशी थेट संवाद साधण्यात किंवा प्रश्नांची उत्तरे देण्यात घाबरतात असा आरोपही केला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात रोजगार आणि शेतकरी या दोन गोष्टींवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. राहुल गांधींनी जाहीर केलेल्या घोषणांपैकी 7 ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेत. न्याय. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील थीम न्याय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन खोटे निघाले. परंतु काँग्रेसची सत्ता आल्यास खरोखरच भारतातील गरीब जनतेला दरवर्षी 72,000 रुपये आणि एकूणच 5 वर्षात 360,000 रुपये मिळतील असा दावा राहुल गांधींनी केलाय. रोजगार. केंद्रात सध्या स्थितीला 22 लाख पदे रिक्त आहेत. काँग्रेसची सत्ता आल्यास ती सर्व पदे भरली जाणार आहेत असे आश्वासन राहुल गांधींनी दिले. यासह 10 लाख युवकांना ग्रामपंचायत स्तरावर नोकऱ्या दिल्या जातील. मेक इन इंडिया अंतर्गत कुणी उद्योग सुरू करत असेल तर त्याला पुढील 3 वर्ष कुठलीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. शेतकरी. आम्ही मनरेगा अंतर्गत रोजगाराचे दिवस 150 करणार आहोत. आमच्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी एक वेगळा अर्थसंकल्प सादर करण्यात यावा. शेतकऱ्यांना किती बजेट दिला जाईल आणि हमीभाव काय असेल याची माहिती असायला हवी. नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्यान हजारो कोटीचे कर्ज घेऊन पसार होतात आणि अवघ्या काही हजाराचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याला तुरुंगात डांबले जाते. आमची सत्ता आल्यास कर्ज फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार नाहीत. न्यायालयीन गुन्हे दाखल होत. शिक्षण. शिक्षण क्षेत्रासाठी काँग्रेसने सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. GDP चा 6% भाग देशातील शिक्षणावर खर्च केला जाईल असे राहुल गांधी म्हणाले. ITI IIM अशा संस्था पर्यंत सर्वांना पोहोचण्यासाठी मार्ग मोकळे केले जातील असे काँग्रेसने आश्वस्त केले. आरोग्य. आरोग्य क्षेत्रात मोदी सरकारने एक योजना आणली होती. इन्शुरन्सचा पैसा रुग्णालयाच्या खिशात जात आहे. या उलट आम्ही सरकारची यंत्रणा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. गरिबांना चांगला आरोग्य सुविधा कशा मिळतील याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. देशद्रोहाची कलम 124A रद्द करू. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कायद्यातील देशद्रोही संदर्भात कलमात सुधारणा करण्यात असल्याचा उल्लेख केला आहे. भारतीय दंडविधान कलम 124A ज्यातून देशद्रोहाची परिभाषा करण्यात आली आहे ती रद्द केली जाईल. त्याचा दुरुपयोग झाला आणि त्या कायद्याचे महत्त्व कमी झाले असेही राहुल गांधी यावेळी सांगितले. रफाल सौद्याची चौकशी. यात दरम्यान काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात रफाल कराराची देखील उल्लेख केला. रफाल विमान खरेदी करताना झालेल्या कथित घोटाळ्याची सत्य आल्यास पहिल्याच दिवसापासून चौकशी होईल. यासाठी एक विशेष तपास समिती नेमली जाईल असे काँग्रेस राहुल गांधी यांनी सांगितले. कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, हमें विश्वास है कि एक नए इतिहास की संरचना ये जन घोषणा पत्र 2019 करेगा. और अब जिसकी हम सबको इंतजार था, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य यहां दें. सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी, पी चिदंबरम जी, गौड़ा जी, वेणुगोपाल जी, ऑल माय कांग्रेस कॉलीग्स, जनरल सेक्रेटरीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया,
I'd like to welcome all of you here today. We are releasing this manifesto, and it is a massive step for the Congress Party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said, this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress Party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That was the first point. And the second point I said was, whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. So when we talk about this, when we talk about justice, we get a response from the people. So this is a काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है. तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौडा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं. मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया. एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. देखिए, मैनिफेस्टो में पांच बड़े आइडिया हैं. हमारा हार्ट का सिंबल है और पांच हमारे मेन थीम्स हैं. सबसे पहला थीम न्याय का थीम. प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था. पूरा देश जानता है कि वो झूठ था. हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए. हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल. गरीबी परिवार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी. एक साल में 72,000, पांच साल में 3,60,000. इससे दो काम होंगे. पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार. और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। और सच्चाई बड़ी क्लियर है, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेनर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेनरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए, आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं, 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो ये हमारा पहला स्टेप। और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं, आपने देखा अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए
तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम